ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। नमस्कार, सांझ टीवी टॉप 10 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं इस नाल लेके हाजिर हां जतियां 10 खास खबरां। फगवाड़ा के हुशियारपुर रोड से पिंड खाटी नजदीक भेदभरे हालातों से एक लाश मिलने के नाल दहशत का माहौल बन गया, जिसकी पहचान हरीश कुमार पुत्र सुभाष चंद्र वासी चब्बेवाल हुशियारपुर वजो हुई है। सूचना मिलदिया ही थाना सदर की पुलिस पार्टी घटना स्थान पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेके अगली जांच शुरू कर दी। नवांशहर के पिंड खोतड़ा कलोनी तो एक अजिहा मामला सामने आया है जिथे भेदभरे हालातों में औरत का बेरहमी नाल कतल किया गया सी, जिसकी पहचान उर्मिला देवी पत्नी धर्मनाथ वासी ओंकार नगर वजो हुई सी। इस मामले को लेकर पुलिस ने वख-वख टीमां बना के अलग अलग पहलुओं से काम कर दिया। महज कुछ ही घंटिया विच ही सन्ने कतल की गुत्थी नूं सुलझा लिया है, जिस दौरान पता चलिया है कि पुत ने ही अपनी मां का कतल किया सी। जलंधर मकसूदा दे कोल पैंदे ग्रेटर क्लास च मंगलवार सवेरे दोहरे कतल होने का मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक उत्थे एक निर्माण अधीन कोठी च दो मजदूरां दीआं मृतक देहां मिलियां हन, जिन्हां दी पहचान कोमल ते राम दे रूप वजो हुई। दोवां दे सिर ते बेरहमी नाल हमला करके कतल किया गया। इस संबंधी जदों वार्ड दे कौंसलर नूं सूचना मिली तां उन्होंने मौके ते पहुंच के पुलिस नूं सूचित किया। तरनतारण विखे परिवार से उस समय दुखों का पहाड़ टुट गया जदों उन्हां दा कमाऊ पुत एक्सीडेंट होने कारण मंजे दे नाल लग गया। मंगल सिंह दे इलाज लई उसनूं हस्पताल भर्ती करवाया गया, जिथे डॉक्टरों वालों 65,000 का खर्चा ऑपरेशन से दस्या जा रहा है। परिवार ने कुछ पैसे दे दिते हैं पर कुछ हाले भी उधार खड़े हैं, जिस कारण परिवारक मैंबरां ने समाज सेवी संस्थावां ते NRI वीरां तों मदद की गुहार लगाई है। 26 जनवरी की हिंसा च दिल्ली पुलिस वालों घोषित किए गए मुख्य दोषी दीप सिद्धू नूं लैके श्रोमणी अकाली दल के नेता आमो सामने होंदे नजर आ रहे हैं, जिथे बीते दिनी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के खासम खास मनजिंदर सिरसा ने आख्या सी कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीप सिद्धू की मदद करने लई तैयार है। उत्थे हुण अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजिठिया ने कहा कि अकाली दल उस व्यक्ति का साथ नहीं देवेगा जिहड़ा भाजपा के किसान अंदोलन बदनाम करने की कोशिश करता है। संगरूर पुलिस ने साइबर क्राइम नाल संबंधित वख-वख मामले विच दो लोगों को गिरफ्तार करने विच वड्डी सफलता हासिल की है। एक आरोपी इंस्टाग्राम ते तांत्रिक दे नाम दी ID बना के लोगों तो पैसे लुटदा सी, अते दूसरा आरोपी दिल्ली विच बैठ के नौजवानों नूं नौकरी देने का झांसा दे के उन्हां नूं ठगी का शिकार बनाउंदा सी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों नूं काबू कर अगली जांच शुरू कर दी है। फगवाड़ा विखे लुटा खोहां दे मामले वधदे जा रहे हैं, जो एक होर मामला वरिंदर पार्क तो सामने आया, जिथे उस समय दहशत का माहौल बन गया जदों इत्थे एक चोर वालों अपनी वारदात नूं अंजाम देने की कोशिश की गई। इस मौके चोरी का शिकार हुए नौजवान ने दस्सिया कि वह पार्क विच बैठा सी कि उत्थे एक नौजवान आया, जिसने उस दीआं अखां विच मिर्चा पा के मोबाइल फोन खोहण की कोशिश की, पर उसने चोर नूं मौके ते ही काबू कर लिया। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਤਨੀ ਕਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। उत्तर प्रदेश के हाथरस तो एक वीडियो सामने आई है, जिस विच एक धी अपने प्यो के कातल खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। दस दईए कि 2018 विच एक कुड़ी नाल कुछ बदमाशों वालों छेड़खानी की गई सी, जिस तों बाद जदों प्यो ने आरोपियों खिलाफ पुलिस नूं शिकायत की तां पुलिस ने आरोपियों नूं काबू कर लिया, पर एक महीने की सजा कट्टण तों बाद हुण आरोपियों वालों पीड़िता के प्यो की गोलियां मार के हत्या कर दी गई है। वायरल वीडियो विच पीड़िता वालों दोषियों की पहचान बारे खुलासा किया गया, पर यह वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार ते पुलिस प्रशासन ते एक वड्डा सवाल खड़ा कर रही है। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 10 ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਟੌਪ 10 ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।